हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक चल रही है? ऐसे भी बच्चों की रेस्पॉन्स दे रहे हैं। कल मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को कार्बनिक रसायन के बारे में। कार्बनिक रसायन क्या होता है उसकी परिभाषाएं बताई थी, सहसंयोजक बंध क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, काफ़ी कुछ बच्चों ने सीखा है और अच्छे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अब पीयूष कुमार सिंह पूछ रहे हैं कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। IUPAC नेम के बारे में कुछ एग्जाम्पल मैंने कल भी बताए थे और जो विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर जो आपका पूरा का पूरा मटेरियल दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कैसे कैसे लिखा जाता है, पूर्व लग्न के बारे में बताया था, अनुलग्न के बारे में बताया था और जो वर्ड रूट होता है आपका, कैसे कार्बन वन को क्या बोलते हैं, टू को क्या बोलते हैं, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। आप लोगों को डैक तक ही तैयार करना है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि डैक के बाद क्या आता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल आप लोग डैक तक ही तैयार करो क्योंकि आपके सिलेबस में आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डैक से नीचे नीचे पूछा जाएगा, तो हमें उसी को फोकस करना है। तो जरा ध्यान दे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, IUPAC नेम के कुछ क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। अभी बच्चे ने पूछा है शेखर अवस्थी ने कि इसका IUPAC नेम क्या है, अभी बता रहे हैं पीयूष कुमार। पहले आप इसको देख लो, मैं ये देख रहा है आपको, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये ROH, ये वाला पार्ट मैंने बताया था कौन सा होता है, R होता है, और ये वाला पार्ट क्रियात्मक समूह का जो होता है इसको X बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है एल्किल समूह। तो दो समूह होते हैं आपके किसी भी IUPAC नेम के अंदर, एक तो एल्किल समूह होता है और एक क्रियात्मक समूह होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी होती है। नंबर हम किधर से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर होता है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वन नंबर इसको देंगे, टू नंबर, थ्री और फोर नंबर, इस तरीके से आप करेंगे। अब मैंने एल्कोहल के लिए बारे में आपको बताया था कि एल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं, OL, एल्कोहल का जो लास्ट वर्ड होता है ओल। अब यहाँ पे आप देखो चार कार्बन है, चार कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन के अंदर जोड़ दो आप ओल, ये बन जाएगा आपका ब्यूटेनॉल। ठीक है, और भी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, ध्यान देंगे जरा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पर एक BR लगा दिया है। अब इन दोनों को ये ग्रुप और ये ग्रुप, इन दोनों का आपको नामकरण करना है। तो नंबरिंग करने का, आप जब संख्या लिखेंगे 1, 2, 3 लिखेंगे तो आपका तरीका क्या होता है, 1, 2, 3, 4, यहाँ से इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ब्यूटेनॉल नहीं है, ये ब्यूटेनॉल है, इन नहीं है, इसके अंदर एन है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं निकल रहा है, ये क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। अगर डबल बॉन्ड आएगा तब आप इन लगाएंगे, अभी आपको इन नहीं लगाना है, एन लगाना है, तो ये बन गया। अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं। अब देखो सेकंड नंबर पे एक BR ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड नंबर पे एक कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथिल समूह बोलते हैं, ये होता है मैथिल समूह, और इस BR को बोलते हैं ब्रोमो। और जब आप IUPAC नेम लिखोगे तो पहले B पहले आता है, ब्रोमो को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ से लिखा जा सकता है शेखर, दोनों तरफ से नहीं लिखेंगे, ध्यान दो बात को, ध्यान से सुनो, इसको सिर्फ कहाँ से लिखेंगे, जहाँ क्रियात्मक समूह होता है उसको हमें सबसे कम नंबर देना होता है, उसको सबसे कम संख्या देनी होती है। तो इसका क्या नाम लिखेंगे आप, सेकंड पोजीशन पे हमारा BR आ गया, इसको लिखोगे 2-bromo, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर B पहले आता है, और सेकेंड नंबर पर आपका क्या आ गया, 2-methyl आ गया, 2-methyl। ठीक है, और ये कितना कार्बन हो गया, चार कार्बन, और क्रियात्मक समूह कौन सा हो गया, ओइक अम्ल, तो चार कार्बन के लिए क्या हो गया, ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक।
दिस इज ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर नहीं दिख रहा है? दूसरा, ये एल्कीन है, हाँ फंक्शनल ग्रुप की ओर से करेंगे। रियाजुद्दीन, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है उधर की साइड से हमेशा करना होता है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्रियात्मक समूह है एल्कीन डबल बॉन्ड, तो इसको अगर मैं इधर से नंबर देता हूँ 1, 2, 3, तो क्रियात्मक समूह जो है एल्कीन है इसको 2 नंबर मिल रहा है, और अगर इधर से देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाला ज़्यादा सही होता है, क्योंकि क्रियात्मक समूह जहाँ से स्टार्ट होता है उधर हमेशा कम से कम नंबर होना चाहिए। तो इधर 2 लगा देंगे तो ये बन गया आपका पेंट, पेंटीन। अब यहाँ पे एल्कीन आ गया है, ये वाला 2 आ गया, इसको क्या लगाएंगे, पेंटीन 2 बोलेंगे, क्योंकि एल्कीन कौन सी पोजीशन पे, हमारी दूसरी पोजीशन पे है। ठीक है, एल्डिहाइड का देखते हैं, और ये एल्डिहाइड है, इसमें यहाँ पर एक पीआर लगा हुआ है और एक यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसका जब आईपीएसी आप नाम लिखेंगे तो आप नंबर किधर करेंगे। हाँ, जिन बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा है वो अपना रिजोल्यूशन 720 पिक्सल पर चयन करें तो क्लियर आ जाएगी पिक्चर, थोड़ा सा अपने मोबाइल का रेजोल्यूशन बढ़ा लें। अब यहाँ पर मैं क्या नंबरिंग करें, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हमारे पास दिए हुए हैं तो नंबरिंग कर लेंगे आप। अब इस पे सेकंड नंबर पे ब्रोमो, थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो ब्रोमो में बी पहले आता है और मिथाइल में एम बाद में आता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है, इंग्लिश अल्फाबेट में बी पहले आता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैथिल है, और मैथिल के साथ कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन को हम ब्यूटेन, ब्यूटेन बोलते हैं, तो इसमें आपको एल्डिहाइड का क्या लगाना है, ब्यूटेन अल, आप क्या लगाएंगे, ब्यूटे नल, मैथिल ब्यूटे नल, ये हो गया। ठीक है, एम बाद में आएगा, हाँ बी पहले आएगा इंग्लिश अल्फाबेट में, हिंदी में नहीं, बी पहले आएगा तो ब्रोमो को लिखेंगे, और ये आपका एम बाद में आएगा तो आप इसको मैथिल लिखेंगे। इस तरीके से विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इन्हीं तरीके से उनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अल लगाएंगे, कुमुद सही बात है, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, AL, एल्कोहल के लिए ओल लगाते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक अम्ल लगाते हैं, कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, ON, ओन, और एल्केन के लिए एन रहता है, एल्किन के लिए इन रहता है, और एल्काइन के लिए आइन रहता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है और इस कार्बन के साथ मैंने एल्कोहल लगा दिया है, तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस एल्कोहल ग्रुप को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, और हमें क्रियात्मक समूह को कौन सा नंबर देना होता है, हमेशा कम से कम नंबर देना होता है, 1, 2, 3, 4, ये हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ब्यूट, 4 कार्बन हो गया। अब थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, 3 आइन, 3 YNE, आइन बोलते हैं इसको, 3 आइन, और एल्कोहल कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 1, शेखर अवस्थी कम से कम, हाँ सही बात है, तो 1 नंबर पे आ गया ओल, ये आपका IUPAC नाम हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेंगे। इस तरीके के बहुत सारे रूल्स आपके क्वेश्चंस आपको विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी ग्रुप की, किसी समूह की 2 या 2 से ज़्यादा बार क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा लगाएंगे, 5 के लिए पेंटा लगाएंगे। जैसे
1, 2, 3, 4, 5 ये एल्डिहाइड हैं। तो वन पोजीशन पे बीआर लगा हुआ है, इसी पोजीशन पे बीआर फिर से लगा दिया। तो इसका जब आईयूपीएसी नाम आप लिखेंगे तो आपको नंबर कहाँ से देना है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे बीआर दो बार आ रहा है, बीआर दो बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे आप, 2, 2 दो को दो बार लिखना होता है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे बीआर दो बार आ रहा है, 2, 2 और बीआर दो बार के लिए क्या करना है, डाई ब्रोमो 2, 2 डाई ब्रोमो। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंटे। क्रियात्मक समूह कौन सा है, अल एल्कोहल, क्या बन गया, 2, 2 डाई ब्रोमो पेंटेनल। ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया है, योगेश कुमार 2, हाँ दो बार आएगा ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है, इसको 2-3 बार जब आप चला के समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी ठीक है। टू टू डाई ब्रोमो पेंटेनल, कुशगिरी गोस्वामी, सही बात है। अब कीटोन के ऊपर आते हैं, कीटोन पे यहाँ ऐसे लगा हुआ है ये वाला। अब इसमें दो बातें हैं, जरा सबसे पहले नंबरिंग पे ध्यान दें। अगर मैं इधर से नंबर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अगर इधर से नंबर दूँ 1, 2, 3 दोनों तरफ से कीटोन ग्रुप कहाँ आ रहा है, तीसरी पोजिशन पर आ रहा है। किधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना हमेशा किधर से होता है, जहाँ से कम नंबर मिले। अब यहाँ पर दोनों तरफ से थर्ड पोजीशन तीसरा नंबर मिल रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर से भी कर लीजिए आप। तो क्या हो गया, पेंटे 5 कार्बन हो गए, पेंटेन कौन सी पोजीशन पे कीटोन है, तीसरे नंबर पे शेखर अवस्थी स्कूल में भी यही चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, डबल प्रैक्टिस हो रही है आपको, अच्छे से समझ में आएगा। पेंटेन 3-ON थर्ड पोजीशन पे आपने ऑन लगा दिया, ये बन गया आपका कीटोन ठीक है। और कीटोन देख लो, इधर बीआर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ये कीटोन है, ये बीआर क्या है, प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापी। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो कीटोन कौन से नंबर पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे आ रहा है। इधर से नंबरिंग करता हूँ 1, 2, 3 तो हमें कौन सा नंबर देना होता है, जो कम से कम नंबर होता है, ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। अब 4 नंबर पे बीआर आ रहा है, जब नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापी समूह को पहले लिखते हैं, ये प्रतिस्थापी होता है और ये वाला जो होता है मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह को सबसे लास्ट में लिखते हैं नाम थे, हाँ शेखर अवस्थी प्रतिस्थापी समूह ठीक है। क्रियात्मक समूह का जब नाम लिखते हैं इसको सबसे लास्ट में लेते हैं और जो प्रतिस्थापी होता है उसको सबसे पहले लेते हैं। तो ये 4 पोजीशन पे कौन सा आ गया, ब्रोमो 4 ब्रोमो और 6 कार्बन है हेक्सेन के अंदर ऑन जोड़ना है आपको, क्योंकि कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, हेक्सेनॉन 3 पोजीशन पे हेक्सेन आ गया ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आसान है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया, क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर पे दहन अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले भी मैंने फर्स्ट डे डिस्कस किया था आपको, किसी भी कार्बनिक यौगिक की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं या किसी भी पदार्थ की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उससे क्या होता है, वो पदार्थ जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ जब जलेगा कब जलेगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी,
अगर वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो किसी भी पदार्थ को हम जला नहीं सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों को यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है, इसको बोलते हैं दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब होता है जलना, और इस अभिक्रिया को आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मीथेन को मैं ले लेता हूँ CH4 प्लस, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा निकलेगी, ये ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। दहन का मतलब जलना, इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, और इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। दहन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, और ये जलना भी बोल सकते हैं इसको। और ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। और रिएक्शन को बैलेंस करना आप लोगों को आता ही है, मैं पहले करा चुका हूँ बहुत सारी प्रैक्टिस। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इधर ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, हाँ शिल्पी सही बात है। अब आप ले लेते हैं इथेन का दहन दिखाएंगे CO2, सब में वही उत्पाद बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, हीट बन जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी ऊष्मा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ क्या करेंगे संतुलित करने के लिए इसको, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन बैलेंस हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गई, 2, 4 और 3 7, 7 ऑक्सीजन उधर हो गए हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दो 7/2 से, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। इसके बाद C2H2 इथाइन की रिएक्शन करा दो O2 के साथ, इसमें भी प्रोडक्ट सब में एक ही जैसा बनना है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो या एसिड हो, सबकी रिएक्शन कब कराएंगे, O2 के साथ जब कराएंगे तो CO2H2 बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है कुमुद का आंसर, सही है बिल्कुल, बैलेंस किया हुआ है इसने रिएक्शन को पूरा। तो 2 कार्बन CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को संतुलित करिए, 2 × 2 = 4 और 1 = 5 ऑक्सीजन मेरे पास हैं उधर की साइड, इधर क्या कर दूँ मैं, 5/2 से गुणा कर दो, अभिक्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बेंजीन की अभिक्रिया आप दिखा सकते हैं, बेंजीन प्लस O2 प्रोडक्ट वही बनेगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, ये बन जाएगा। यहाँ पर ये 6 कार्बन है, इधर इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, इधर 2 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब देख लो आप ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास, कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित हो गए हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 12 और 3 15 ऑक्सीजन हो गए हैं। इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे, 15/2 15/2 अभिक्रिया आपकी संतुलित है। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दहन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए, आप दे सकते हैं, आपको संतुलित अभिक्रियाओं का उदाहरण देना है। दहन का मतलब होता है जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो वो बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस बेंजीन। क्या होता है कुमुद प्रजापति, बेंजीन एक मॉलिक्यूल होता है, ये वाला C6H6, इसको याद रखना है आपको, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है C6H6। दूसरे नंबर पे योगात्मक अभिक्रिया आती है कार्बनिक यौगिकों की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि कार्बनिक रसायन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। योगात्मक का मतलब आपको पता है जोड़ होता है, एडिशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका जो उदाहरण है उत्प्रेरकीय,
इसको बोलते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरकीय का मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन का मतलब होता है किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग करना। तो क्या करते हैं, जब एल्कीन या एल्काइन के ऊपर, ये एल्कीन है इथाइन, इसकी रिएक्शन में कराता हूँ H2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर निकेल की उपस्थिति में। निकेल जो होता है कैटलिस्ट होता है, उत्पाद होता है, निकेल एक धातु होती है डी ब्लॉक की। अभी आवर्त सारणी के अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा डी ब्लॉक की धातुएं कौन सी होती हैं, तो उसमें से एक निकेल होती है। और इसके अभिक्रिया करा देते हैं 473 केल्विन, 473 केल्विन पर। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, दो कार्बन का एल्केन बन जाएगा। जब भी आप किसी एल्केन के ऊपर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, या एल्काइन के ऊपर कराओ या एल्केन के ऊपर कराओ, तो सीधा सीधा उत्पाद क्या बन जाएगा हमारा, एल्केन बन जाएगा। किसकी उपस्थिति में होती है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। ये निकिल जो होता है उत्प्रेरक होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का योग। अगर कोई आप दो कार्बन का एल्कीन ले लें, या तीन का ले लें, या चार का ले लें, उसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ सेम निकल की प्रेजेंस में 473 केल्विन पर, तो आपका उत्पाद वही बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। यहाँ भी आपका एल्केन उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो वसा होती हैं, वसाएं का मतलब वसा का हाइड्रोजनीकरण, जितने भी हमारे खाने के तेल होते हैं, सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, तिल का तेल होता है, इनसे जो हम फैटी एसिड ऑयल्स बनाते हैं, जो फैट्स बनते हैं, वो संतृप्त होते हैं, उनके हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो वही अभिक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण। वसीय तेलों का उनको, उनसे वसा बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा के उस अभिक्रिया को भी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजन का योग हो जाता है। इसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना। इसमें रिएक्शन देख लो जरा क्या होती है, जब मीथेन की रिएक्शन CH4, ये मीथेन का अणु होता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उदाहरण सहित समझाइए, तो ये आपको पूछा जाएगा। इसमें मीथेन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये Hν जो होता है, इसका मतलब होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो एक Cl जो होता है इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, तो उत्पाद क्या बन जाएगा, CH3Cl। Cl ने क्या किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, ये बन गया पहला उत्पाद मैथिल क्लोराइड। अब इसके पास जब तक हाइड्रोजन रहेंगे, Cl इन हाइड्रोजन को हटाता चला जाएगा, दोबारा फिर से क्या होगी, अभिक्रिया Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, Hν की प्रेजेंस में होगी। अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को, हाँ अधिक क्रियाशील पदार्थ, ठीक है। यहाँ से फिर से आप Cl2 के साथ Hν की रिएक्शन करा दो, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl2। हाइड्रोजन हटता रहेगा और Cl बढ़ते रहेंगे। फिर से आप रिएक्शन करा दो Cl2 की रिएक्शन Hν के साथ, तो पदार्थ बन जाएगा CHCl3। फिर से आप Cl2 की रिएक्शन करा दो Hν सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, CCl4। अब यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन निकल गए हैं, यहाँ चार हाइड्रोजन थे, यहाँ चारों हाइड्रोजन हटके क्या बन गया, CCl4। अभिक्रिया अब आगे नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन सारे समाप्त हो चुके हैं, सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो चुके हैं, ठीक है। अब ये पदार्थ जो होता है आपका CHCl3, इसका कोई बच्चा नाम बता सकता है, मुझे नाम बताओ, कोई भी बच्चा बताए, व्हाट इज द नेम ऑफ CHCl3 कंपाउंड, आई एम वेटिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड CHCl3।
CHCl3 का नाम बताएं जरा। क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल सही बात है, क्लोरोफॉर्म इसका नाम होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? चिकित्सा के अंदर, सर्जरी जब की जाती है, डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जहाँ का ऑपरेशन करना होता है उसके ऊपर उसको लगा देते हैं। ये पदार्थ बेहोश करने के लिए किया जाता है, किसी भी पार्ट को, शरीर के किसी भी हिस्से को सुन्न करने के लिए दिया जाता है, सेंसलेस करने के लिए दिया जाता है, जिसे डॉक्टर आसानी से उसका ऑपरेशन कर सकें। और ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आग बुझाने के लिए किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के काम आता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा एक कंपाउंड और मैंने बताया था आग बुझाने के लिए कौन सा काम आता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा, सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने बताया था बेकिंग सोडा भी आग बुझाने के काम आता है। ये दोनों ही कंपाउंड क्या करते हैं, जब आग के ऊपर डाले जाते हैं तो उसमें से CO2 निकल जाती है, और वो CO2 जो होती है आग को बुझा देती है, क्योंकि आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगी। अब आते हैं एलिफैटिक यौगिक, बेहोश करने के लिए। एलिफैटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो कि खुली श्रृंखला के अंदर होते हैं, जिनके अंदर कोई रिंग नहीं बनती है, जिनके अंदर कोई चैन नहीं बनती है, जिनके अंदर कोई चक्र नहीं बनता है, ऐसे यौगिकों को बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। जैसे कार्बन के जितने भी अल्कोहल होते हैं, ये वाला कंपाउंड, ये खुली श्रृंखला है, इसको हम बोलेंगे क्या, एलिफैटिक यौगिक। यहाँ पर चाहे एक कार्बन का ले लो, चाहे 50 कार्बन का ले लो, 10 कार्बन का ले लो, चाहे उसके ऊपर कितनी भी श्रृंखला लगा लो, ये सारे के सारे यौगिक क्या हैं, एक खुली श्रृंखला है, इसलिए इनको बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। ठीक है, इनके नाम पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्केन हो, सारे के सारे जितनी भी खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं उनको बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक के बारे में कल भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, कई बच्चों ने बताया भी सही आंसर, दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ। एरोमेटिक यौगिक होते हैं वे यौगिक होते हैं जिनके अंदर एक चक्र बन जाता है, एक चेन बन जाती है, एक बंद श्रृंखला बन जाती है, उनको बोलते हैं एरोमेटिक यौगिक। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल वो क्या होता है, C6H6। अभी मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था बेंजीन क्या होता है, कुमुद ने पूछा था बेंजीन एक मॉलिक्यूल होता है और इसकी संरचना क्या होती है, वो भी देख लो। 6 कार्बन इस तरीके से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनके बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से लगा हुआ होता है। यहाँ पर आपके 6 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक बंद श्रृंखला बन गई है, एक रिंग बन गई है, एक अंदर चक्र बन गया है, इसलिए इसको बोलते हैं एरोमेटिक या चक्रीय यौगिक, चक्रीय भी बोलते हैं। एरोमेटिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एरोमा, एरोमा का मतलब खुशबू। ये पदार्थ जो होते हैं एक बहुत मीठी मीठी इनके अंदर से खुशबू होती है, जैसे एस्टर होता है। एस्टर क्या होता है? एस्टर एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो कि फलों जैसी जिसकी खुशबू होती है, उसको भी एरोमेटिक यौगिक बोल सकते हैं आप। आपको क्या आंसर देना है, एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट यौगिक है, इसकी संरचना भी पूछी जा सकती है और इसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आप परिभाषा लिख देंगे और उसका उदाहरण दे देंगे, किसका, बेंजीन का। ठीक है, अब हम कुछ कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधियां और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है आपका इथेनॉल C2H5OH, एल्कोहल होता है इसका, एथिल एल्कोहल भी इसका नाम होता है, एथिल एल्कोहल
या एथेनॉल, दोनों ही नाम से आप इसको बोल सकते हैं। ये इसका IUPAC नेम होता है और इसका कॉमन नेम होता है। तो सबसे पहले इसको बनाने की विधि, कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि। फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की, यानी सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया करा देते हैं। सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2H SO4, ये बन जाएगा इथीन हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथीन होता है, इथीन का मॉलिक्यूल होता है, इसकी रिएक्शन हमने अभिक्रिया करा दी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ये क्या बन जाएगा, इथीन हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद इसका जल अपघटन करा देते हैं वाटर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, तो इसमें से क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये आपका इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल क्वेश्चन कैसे आएगा, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल बनाने की विधि लिखिए, कोई एक विधि लिखिए या दो विधि लिखिए, तो आप इस रिएक्शन को तैयार करेंगे। इथेन की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है तो इथेनॉल प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है और स्टार्च होता है, उनकी अभिक्रिया कराते हैं हम किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की उपस्थिति में, यीस्ट की उपस्थिति में, तो उससे भी हमें क्या, अल्कोहल प्राप्त होता है, C6H10O5, ये होता है एन टाइम्स, यहाँ पर एन लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है एन टाइम्स, कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। और इसकी अभिक्रिया उतने ही जल किरणों के साथ कराई जाती है जितने यहाँ पर एन लगे हुए होते हैं, अगर यहाँ 5 लगा है ये भी 5 होता है। ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है, स्टार्च का सूत्र, अभी बच्चे नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, स्टार्च का सूत्र क्या होता है। तो इसकी रिएक्शन आप कराओगे, डाइस्टेज एंजाइम होता है, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे, तो उसमें से क्या बनता है, NC12H22O11। ये फॉर्मूला किसका होता है, शुगर, चीनी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए, मीठे के लिए, ये फॉर्मूला चीनी का होता है, शुगर का, C12H22O11। अब इस C12H22O11 की रिएक्शन जल के साथ करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, एंजाइम होता है माल्टेज, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या उत्पाद बन जाता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अणु, जिससे कि हमें शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है, ATP बनते हैं शरीर के अंदर। अब इस ग्लूकोज की रिएक्शन करा दो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम होता है जाइमेज, ये क्या बन जाएगा, C2H5OH+CO2, ये बन जाएगा 2CO2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेकंड नंबर की, ये वाली रिएक्शन, इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन जिसको बोलते हैं, किण्वन। ये जो शुगर होती है, शर्करा होती है, स्टार्च होता है, उससे अल्कोहल बनाने की विधि होती है, अल्कोहल बनाए जाते हैं, यहाँ पर क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल बनाने की किन्हीं एक या दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो अगर किण्वन पूछा जाता है, किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा शर्करा यानी स्टार्च से अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है, आप ये अभिक्रिया दे सकते हैं। अभिक्रिया सभी आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में है, या विद्या ऐप डाउनलोड किया होगा आपने, उसके अंदर है, सभी देख सकते हैं। जिन बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते विद्या ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो विद्या क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, पूरा उसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आंसर भी दिए हुए हैं, सारी चीज़ें वही हैं, उनको थोड़ा सा अगर आप स्टडी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं आप।
अब आती है अभिक्रिया, जो एल्कोहल हमने बनाया है इसकी अभिक्रिया क्या क्या होती है, कैसे इसकी अभिक्रिया होती है। तो फर्स्ट नंबर पे इथेनॉल की अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ। ये अभिक्रिया मैं पहले भी बता चुका हूँ, हाँ, इथेनॉल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कुमुद की। ये अभिक्रिया मैं पहले करा चुका हूँ, यहाँ से O के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर प्लस, और यहाँ पर C2H5OH की रिएक्शन, और यहाँ नेगेटिव और ये प्लस आ जाएगा। तो ये चार्ज बनाना आपको आता है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस H2O, जल का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा C2H5OH प्लस HBr, C2H5Br प्लस H2O, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड। अवंती में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी फिलहाल विद्या क्लास में चल रही है बेटा, अवंती में भी पढ़ाएंगे, कुछ कोरोना की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए अवंती में नहीं पढ़ा रहे हैं फिलहाल। अभी हमारी जो ई विद्या क्लास चल रहा है यहाँ पे इसका भरपूर लाभ उठाएं। कंसंट्रेट ये वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, कंसंट्रेट H2SO4 को, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो जो क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहे, जो जो क्वेश्चन मैं आपको हर चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट बताते जा रहा हूँ, आपको उन्हीं में से सब कुछ मिलना है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर आप लोग डेली क्लास लाइव क्लास देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो दे सकते हैं, जो भी मैंने इम्पोर्टेंट बताया है पूरा पेपर आपको उसी में से मिलने वाला है। पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं 15-20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताता हूँ तो आपको एग्जाम के अंदर वही सब कुछ मिलने वाला है। ये चीज़ें आप नोट करके रखें, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो C2H5OH की रिएक्शन कराते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर निकल जाएगा, C2H4 प्लस H2O। देखो एल्कोहल से इथीन का निर्माण, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एल्कोहल से इथीन कैसे बनाते हैं, तो आप तुरंत ये वाली रिएक्शन लिख देंगे। या क्या होता है, जब इथेनॉल को 170 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आप इसका आंसर ये दे देंगे। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये आपका इथेनॉल की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बनाने की विधियाँ। अब आते हैं एसिटिक अम्ल के ऊपर, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर, प्रयोगशाला विधि, लैब के अंदर कैसे बनाते हैं। तो ये जो इथेनॉल होता है C2H5OH प्लस ये ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीकरण करके बनाया जाता है, किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, KMnO4 ऑक्सीकारक होता है, इसकी उपस्थिति में क्या बन जाएगा, CH3COOH प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, एल्कोहल से एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, वही एल्कोहल से इथेनॉल से एसिटिक एसिड हम कैसे प्राप्त करेंगे, या क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया KMnO4 के साथ कराई जाती है तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा या एसिटिक एसिड बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या क्या होती हैं वो देख लो आप। आप लोग जानते हो कि ये अम्ल होता है एसिटिक अम्ल, तो अम्ल की अभिक्रिया जब किसी धातु के साथ कराते हैं तो धातु क्या होती हैं, क्षार का काम करती हैं, तो CH3COOH प्लस Na, ये क्या बन जाएगा, CH3COOHNA लवण बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। सेम रिएक्शन CH3COOH प्लस NaHCO3 के बेकिंग सोडा के साथ करा देंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बन जाएगा CH3COOHNA प्लस H2O प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये सारी की सारी रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी आ चुकी हैं आपकी, दोबारा से रिपीट हो रही हैं। अगर रिएक्शन कराते हैं CH3COOH प्लस C2H5OH तो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर एस्टर बन जाएगा, CH3COOC2H5 प्लस
H2O, ये क्या होता है एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस्टरीकरण क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब इथेनॉल के साथ कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है और जल निकलता है, इसका आप अभिक्रिया दे देंगे, बिल्कुल सही आंसर, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार पूरे आने के चांस हैं इसके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साबुन की सफाई प्रक्रिया, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉल्ट, साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसेल, मिसेल किसे बोलते हैं, दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नोट कर लें ज़रूर। मिसेल क्या होता है, साबुन के बारे में आप जानते हैं, साबुन क्या होते हैं, जो आपके हायर फैटी एसिड होते हैं, जो उच्च वसा लवण, वसा के लवण होते हैं, उनकी सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। और साबुन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य फॉर्मूला होता है RCOONA, उच्च वसीय अम्लों के कार्बोक्सिलिक लवण के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट होते हैं। यहाँ पर इसको जब बनाते हैं तो ये मॉलिक्यूल दो भाग में टूटता है, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ से ये जो R होता है, दिस इज एल्किल ग्रुप, इसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं या एल्किल समूह बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है ये आयनिक पार्ट होता है। तो मिसेल का कैसे निर्माण होता है, जो आयनिक पार्ट होता है ये जल रागी होता है, जल में घुलनशील होता है, जब साबुन को आप पानी के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर ये वाला पार्ट घुलता है, आयनिक पार्ट जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा पार्ट जो होता है आयनिक पार्ट होता है, ये जल रागी होता है मतलब जल के अंदर घुल जाता है, और ये जो होता है जल विरागी होता है मतलब जल के अंदर नहीं घुलता है, जल विरागी। अब तो मिसेल का निर्माण कैसे होता है वो देख लो, जब आप पानी के अंदर साबुन को डालते हैं, ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर जल भरा हुआ है, जैसे आपने साबुन को पानी के अंदर डाला तो साबुन घुल जाएगा, और ये वाला पार्ट इस तरीके से ये चारों तरफ से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके अंदर जो गंदगी या मैल होता है उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेता है, ये बन जाएगा इस तरीके की एक संरचना बन जाएगी, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये सारे के सारे जो अणु दिखाई दे रहे हैं ये साबुन के पार्ट होते हैं, और ये वाला जो मोटा पार्ट मैंने दिखाया बाहर की तरफ, ये एल्किल भाग होता है, एल्किल भाग, और अंदर जो होता है जो कि डस्ट पार्टिकल को या मैल को या गंदगी को चारों तरफ से घेर लेता है वो क्या होता है, वो आयनिक भाग होता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी साबुन को पानी के अंदर डालते हैं तो उसका जो एल्किल भाग होता है वो तो पानी के बाहर की तरफ रहता है, और जो आयनिक भाग होता है वो गंदगी को चारों तरफ से घेर लेता है और उसका क्या बना देता है, कोलाइड विलयन बना देता है, कोलाइड विलयन उस मैल के साथ या गंदगी के साथ बना लेता है। तो उस जैसे कपड़े को रगड़ते हैं तो वो जो कोलाइड विलयन होता है वो बाहर हो जाता है, तो इस तरीके से साबुन जो होता है कपड़े को साफ कर देता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मिसेल क्या होता है, तो सबसे पहले आप बता देंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये वाला फॉर्मूला दे देंगे और साबुन के अंदर बता देंगे कितने भाग होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट होता है, ये आयनिक भाग होता है, ये एल्किल भाग होता है, आयनिक भाग जलरागी होता है, जल विरागी होता है। जैसे आपने पानी के अंदर साबुन को डाला तो ये वाला भाग चारों तरफ से गंदगी को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, घेर लेता है और एक कोलाइड विलयन बनाता है। जैसे उस कोलाइड विलयन को थोड़ा सा रब करेंगे, रगड़ेंगे तो कपड़ा एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, और इस पार्ट को, ये जो संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं मिसेल। मिसेल का निर्माण समझाइए, कोलाइड विलयन होता है, यह मिसेल हो गया आपका। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कठोर जल होता है, कठोर जल को जब साबुन के अंदर घोला जाता है तो वो कपड़ों को साफ नहीं करता है, क्या एक्शन होती है, क्यों नहीं करता है।
तो आप लोग जानते हैं कि जो जल की कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है? वो कैल्शियम आयन की वजह से और मैग्नीशियम आयन की वजह से ज़्यादा होती है। जब जल के अंदर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हो जाएंगे तो जल हमारा कठोर हो जाएगा और साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, एक विलयन सा बनाता है, सफ़ेद विलयन बनाता है, अवक्षेप बनाता है, जिसकी वजह से वो कपड़ों को साफ नहीं कर पाता है। तो इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है? कैल्शियम आयन जब साबुन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं 2RCOONA। ये मैंने साबुन का फॉर्मूला ले लिया और ये जो जल की कठोरता होती है कैल्शियम आयन की वजह से, ठीक है। हाँ, कैल्शियम आयन, स्पेलिंग सही नहीं है शेखर अवस्थी, कैल्शियम की स्पेलिंग होती है CALCIUM। छोटी छोटी चीज़ों में गलती करोगे नंबर कट जाएंगे सारे। तो यहाँ क्या बनेगा? RCOO2, ये कैल्शियम बन जाएगा। हाँ, रिया यादव बिल्कुल सही है, आयन को आयरन बना दिया, आयन है या आयरन नहीं है, कैल्शियम आयन प्लस 2Na। तो ये कैल्शियम आयन जो है, जो कि जिसकी वजह से जल कठोर हो रहा है, ये इस पूरे पार्ट के साथ मिलके यहाँ से बाइंड अप हो जाएगा, बंध जाएगा। हाँ सही है पीयूष कुमार सिंह, बंधने की वजह से ये एक स्कम बना देता है, सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है, जो कि जल को गंदगी के साथ या कपड़ों की गंदगी के साथ रिएक्शन नहीं करने देता है, और जो कपड़ों के ऊपर डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, जो गंदगी होती है, वो साफ नहीं हो पाती है। तो साबुन जो है हमारा कठोर जल के अंदर काम नहीं करता है। दूसरा, मैग्नीशियम आयन की यहाँ पर अभिक्रिया दे सकते हैं, मैग्नीशियम आयन प्लस 2RCOONA, यहाँ भी क्या बन जाएगा? RCOO2Mg+2Na, ये बन जाएगा। यहाँ मैग्नीशियम आयन इसके साथ जुड़ जाएंगे, इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव जानते ही हैं, ये इसके साथ जोड़ दो और सोडियम अलग हो जाएगा, ये भी एक सफ़ेद अवक्षेप बना देगा, जिसकी वजह से साबुन जो है कपड़ों की गंदगी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कोलाइड विलयन नहीं बनाता है और कपड़ा साफ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लेंगे। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, कोई बच्चा बताए जरा, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, कोई बात नहीं है, उसको ठीक कर लो, हो जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड CH3COOH क्या होता है बताएंगे जरा, टाइपिंग में हो जाती है मिस्टेक, ठीक कर लो। तो ये जो चैप्टर मैंने करा दिया आप लोगों को, अधिकांश चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। विद्या ऐप के अंदर विद्या ऐप डाउनलोड कर लें, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, या विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो थ्योरी दी हुई है, उन सबको पढ़ेंगे और हमारी वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं आप, तो इससे आपकी क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जरा मुझे बताएं, ये एसिटिक एसिड, जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? ये होता है 100% एसिटिक एसिड होता है, 100% शुद्ध बर्फ़ जैसा, बिल्कुल बर्फ़ जैसा होता है, बर्फ़ जैसा, नोट्स मैं बार बार बता रहा हूँ, विद्या क्वेश्चन बैंक ले लें या ई विद्या ऐप को डाउनलोड कर लें, तो वही आपके नोट्स हैं, कोई भी चीज़ आपको उनसे अलग नहीं पढ़ाई जा रही है, और उससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम आपने विद्या क्वेश्चन बैंक ने कंप्लीट कवर किया हुआ है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, बस आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। शुद्ध एसिड होता है और बर्फ़ जैसा होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ठंडा, किसी भी सब्सटेंस को जब हमें ठंडा करना हुआ होता है, ये बर्फ़ का काम करता है एक तरीके से। ग्लेशियल, ग्लेशियल का मतलब होता है बर्फ़ के पहाड़, जिसको बोलते हैं वो ग्लेशियर बोलते हैं, तो यहाँ बर्फ़ जैसा, ये बिल्कुल बर्फ़ के जैसा होता है, 100% प्योर होता है, और इसका उपयोग लैब्स वगैरह के अंदर केमिकल रिएक्शन या कंपाउंड बनाने के लिए किया जाता है, तो इस तरीके से। और एक एस्टरीकरण की रिएक्शन, डाउनलोड किया फिर भी नहीं मिल रहा है, तो
तो विद्या क्वेश्चन बैंक ले लो, सीधी सी बात है वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार नहीं मिलता है। सीधी सीधे विद्या क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं मार्केट से, आपको मिल जाएगा कहीं भी, और उसके अंदर सब कुछ है, पूरा टोटल मटेरियल दिया हुआ है, उसको आप पढ़ें। एस्टरीकरण की रिएक्शन इम्पोर्टेंट, पहले मैं बता दिए है, इसको आप जरूर इम्पोर्टेंट अच्छे से तैयार करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एस्टरीकरण, मिसेल का निर्माण क्या होता है, साबुन की परिभाषा क्या होती है, साबुनीकरण क्या होता है, और जितनी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं होती हैं वो उसको तैयार कर लें ढंग से, उनकी संरचनाओं को इस तरीके से आप